कंट्रीज विद मोस्ट इंटरनेट यूजर्स। दोस्तों अब हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जब इंटरनेट हमारी प्राइमरी नीड बन चुका है। इंटरनेट के बिना अपनी जिंदगी को इमेजिन करना लगभग मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप अपने चारों तरफ लोगों को इंटरनेट के जालों से घिरा पाएंगे, और ऐसा सिर्फ आपको अपने मोहल्ले, शहर या आपके देश में ही नहीं, ऐसा पूरी दुनिया में मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स वाला कौन सा देश है? कौन सा देश ऐसा है जहाँ के लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले देशों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10. मेक्सिको। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है मेक्सिको। मेक्सिको को दुनिया भर में जाना जाता है वहाँ के खाने के लिए। चाहे वो आप हो या मैं, हम सब मेक्सिकन खाने के दीवाने हैं। लेकिन मेक्सिको के लोग कहाँ के दीवाने हैं? वो दीवाने हैं इंटरनेट के। मेक्सिको की आबादी 2019 में लगभग 13 करोड़ 23 लाख है, जिसमें से 8 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं, क्योंकि मेक्सिको में 50% से भी ज्यादा लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। मेक्सिको में साल 2000 में कुल 27 लाख इंटरनेट यूजर्स, जबकि उस वक्त वहाँ की आबादी 10 करोड़ 17 लाख के लगभग थी। ये आंकड़े बताते हैं कि मेक्सिको में कैसे इंटरनेट ने अपने पांव पसारे हैं, और कैसे वहाँ के लोगों ने इंटरनेट को अपने डेली शेड्यूल में ऐड कर लिया है। मेक्सिको में सन 2000 से लेकर 2019 तक इंटरनेट की ग्रोथ रेट 3144% है। अब समझ आया मेक्सिको खाना दुनिया भर में कैसे फैला? जरूर ये इंस्टाग्राम का कमाल है। आप भी हैं क्या फूड ब्लॉगर? हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए चलते हैं अपने अगले देश की तरफ। 9. बांग्लादेश। आकार में छोटा और आबादी में काफी कम बांग्लादेश ने इस लिस्ट में जगह बना ली है। दोस्तों बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ 80 लाख है, जबकि वहाँ पर 9 करोड़ 44 लाख से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। बांग्लादेश की आबादी का लगभग 60% से भी ज्यादा हिस्सा इंटरनेट यूज करता है। सन 2000 में वहाँ पर इंटरनेट का यूज करने वाले लगभग 1 लाख लोग थे, जबकि वहाँ की आबादी उस समय 13 करोड़ 15 लाख थी। सन 2000 से लेकर अब तक बांग्लादेश में इंटरनेट 94,345% बढ़ा है, और लिख कर ले लीजिए, ये यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेने वाला। 8. रशिया। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया। रशिया की मौजूदा आबादी 14 करोड़ 38 लाख है, और वहाँ इंटरनेट यूज करने वाले लगभग 10 करोड़ 95 लाख लोग मौजूद हैं, यानी कि रशिया के 70% से भी ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं। सन 2000 में रशिया की आबादी 14 करोड़ 63 लाख लोग थी, जबकि वहाँ पर इंटरनेट यूज करने वाले लोग 31 लाख थे। सन 2000 से लेकर अब तक रशिया में इंटरनेट 3,434% बढ़ा है। हमारी पूरी लिस्ट में रशिया ही लगभग एक ऐसा देश है जिसके इंटरनेट यूजर्स भले ही साल 2000 से 2019 के बीच बढ़े हों, लेकिन रशिया की आबादी घटी, यानी कि वहाँ की सरकारों ने पॉपुलेशन को बखूबी कंट्रोल किया है। 7. नाइजीरिया। नाइजीरिया को जाइंट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे अफ्रीका में सबसे अमीर और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अफ्रीका के जाइंट नाइजीरिया को वहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादन और एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। हालांकि अफ्रीका का सबसे अमीर देश इंटरनेट भी खूब यूज करता है। नाइजीरिया की आबादी लगभग 20 करोड़ 9 लाख लोग से ज्यादा है, और वहाँ 11 करोड़ 95 लाख के लगभग लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। सन 2000 में नाइजीरिया में केवल 2 लाख लोग ही इंटरनेट का प्रयोग करते थे, और वहाँ की आबादी तब लगभग 12 करोड़ 23 लाख लोग थी। हमारे इस लिस्ट में बांग्लादेश से ज्यादा अगर किसी भी देश में इंटरनेट के बढ़ने का परसेंटाइल सबसे ज्यादा है तो वो नाइजीरिया है। वहाँ पर सन 2000 से अब तक इंटरनेट लगभग 59,653% तक बढ़ चुका है। 6. जापान। अब है हमारी लिस्ट में टेक्नोलॉजी का बादशाह जापान। जापान को पूरी दुनिया में जाना जाता है यहाँ के मेहनती लोगों और यहाँ की टेक्नोलॉजी के कारण, और यहाँ के लोग जितने ज्यादा इनोवेटिव हैं, उतने ही ज्यादा इंटरनेट एडिक्ट भी। ऐसा मैं नहीं, रिपोर्ट कह रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जापान की आबादी लगभग 12 करोड़ 68 लाख लोग है, वहीं यहाँ इंटरनेट यूज करने वाले लोग 11 करोड़ 86 लाख है, यानी कि जापान की आबादी का 90% से ज्यादा हिस्सा इंटरनेट का प्रयोग करता है। दोस्तों इतना ही नहीं, सन 2000 में जब इंटरनेट इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं था, तब भी जापान इंटरनेट यूज करने के मामले में नंबर 2 पर था। तब जापान की आबादी लगभग 12 करोड़ 75 लाख लोग थी, और वहाँ पर इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की संख्या 4 करोड़ 70 लाख थी। जापान में इंटरनेट सन 2000 से अब तक केवल 152% ही बढ़ पाया है, लेकिन असल मायनों में देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा है। 2. इंडोनेशिया। दुनिया भर में अपने खतरनाक ज्वालामुखी के कारण फेमस इंडोनेशिया ने हमारे इस लिस्ट में जगह बनाई है 5वें नंबर पर। यहाँ की राजधानी जकार्ता है, और मजे की बात यह है कि यहाँ पर 700 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों इंडोनेशिया की मौजूदा आबादी लगभग 26 करोड़ 95 लाख लोग है, और वहीं यहाँ इंटरनेट यूज करने वाले 14 करोड़ 32 लाख लोग हैं,
इंडोनेशिया की 50% से ज्यादा आबादी इंटरनेट का यूज करती है। और ऐसा अभी से नहीं है दोस्तों, सन 2000 में इंडोनेशिया की आबादी लगभग 21 करोड़ 15 लाख लोग थी और यहाँ इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की संख्या 20 लाख से लगभग थी। सन 2000 से लेकर अब तक इंडोनेशिया में इंटरनेट 7063% बढ़ा है। 4. ब्राजील। ब्राजील शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बीच, सॉकर और फुटबॉल। लेकिन एक चीज के साथ और ब्राजील को जोड़ लीजिए और वो है इंटरनेट। ब्राजील की मौजूदा आबादी लगभग 21 करोड़ 23 लाख लोगों से ज्यादा है और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर 14 करोड़ 90 लाख लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। सन 2000 में यहां की आबादी लगभग 17 करोड़ 52 लाख लोग थी और यहां पर इंटरनेट का यूज करने वाले लोग 50 लाख थे। उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि उस समय बहुत कम लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस हुआ करता था। हालांकि सन 2000 से अब तक इंटरनेट 2881% बढ़ चुका है। अच्छा है ना, ब्राजील के लोग इंटरनेट को इतना ज्यादा यूज करते हैं। सोचो इंटरनेट ना होता तो ब्राजील में होने वाले फुटबॉल मैचेस लाइव कैसे देख पाते। 3. यूनाइटेड स्टेट्स। सन 2000 में यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेट यूजर्स वाली लिस्ट में पहले नंबर पर था, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर खिसक चुका है। 2019 में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां की आबादी लगभग 32 करोड़ 29 लाख लोग है, जबकि वहां पर इंटरनेट यूज करने वाले लोग 29 करोड़ 28 लाख है। दुनिया के मुकाबले भले ही वहां पर इंटरनेट यूज करने वाले लोग कम हो, लेकिन वहां की 90% से ज्यादा आबादी के पास इंटरनेट का एक्सेस है, जो कि ये दर्शाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स कितना आगे निकल चुका है और कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है। दोस्तों ऐसा सिर्फ अभी से नहीं, सन 2000 में यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरनेट यूज करने वाले लोग लगभग 9 करोड़ 53 लाख थे, जबकि तब वहां की आबादी 28 करोड़ 19 लाख थी। यानी कि सन 2000 में अमेरिका की 33% से ज्यादा आबादी इंटरनेट यूज करती थी, जो कि उस जमाने के लिए बहुत ज्यादा है। दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट यूज करने के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स उस वक्त नंबर 1 पर था। सन 2000 से अब तक यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरनेट 207% बढ़ा है। 2. इंडिया। तो अब दूसरे पॉइंट पर हम आ जाते हैं, घर में। हमने पूरी दुनिया के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में कितने इंटरनेट यूजर्स हैं? भारत की आबादी 2019 में लगभग 136 करोड़ 87 लाख है, जिसमें से 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। सन 2000 में इंडिया में इंटरनेट का यूज करने वाले लोग केवल 50 लाख ही थे, जबकि उस समय इंडिया की आबादी 105 करोड़ 30 लाख लोगों से भी ज्यादा थी। भारत में सन 2000 से अब तक इंटरनेट ने 11,100% बढ़ोतरी की है। अब आप अपनी डेली लाइफ को देख लीजिए, चाहे खाना हो या फिर कैब या फिर म्यूजिक हो या चैटिंग, सब कुछ तो इंटरनेट पर ही होता है। इंडिया में इंटरनेट का बढ़ना सही है या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1. चाइना। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चाइना। चाइना ने यहाँ भी टॉप किया है। चाइना की मौजूदा आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है और वहाँ पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 82 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। सन 2000 में चाइना में इंटरनेट यूज करने वाले लोग केवल 2 करोड़ 25 लाख थे और उस समय भी चाइना सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स वाला देश की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर हुआ करता था, जबकि पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे नंबर पर जापान था। चाइना की सन 2000 में आबादी 128 करोड़ 31 लाख थी। सन 2000 से लेकर अब तक चाइना में इंटरनेट 3,584% बढ़ा है। चाइना में इंटरनेट यूज करने वाले इतने ज्यादा लोग हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना में फेसबुक, यूट्यूब जैसी साइट्स को बैन कर दिया गया है। वहां पर इनके जैसे ही इनके अल्टरनेटिव चलाए गए हैं, जो कि इन एप्स को रिप्लेस कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां के लोग इन एप्स का यूज नहीं करते, वो लोग प्रॉक्सी और वीपीएन जैसे फीचर्स की मदद से इन सारे एप्स का यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले देश। इंटरनेट एक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला टूल बन चुका है, लेकिन शर्त ये है कि आप इसका उपयोग खुद की मदद करने के लिए करें। वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।